हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने जीओसी 90% ख़त्म कर लिया बेटा। ठीक है, हम लोगों ने ये सीख लिया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, कैसे अम्ल सामर्थ्य की तुलना करते हैं, कैसे क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करते हैं, काप धनायन ऋणायन मुक्त मूलक के स्थायी को कैसे देखते हैं, अनुनाद की संरचनाएं कैसे बनाते हैं, अति संयुग्मन संरचनाएं कैसे बनाते हैं, कब अति संयुग्मन लगाना है, कब अनुनाद लगाना है, कब प्रेणिक प्रभाव से काम चल जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। बात समझ में आती है। एक अनुनाद का एक टॉपिक छूट गया था बेटा, छूट क्या गया था, मैं सबसे एंड में ही पढ़ाता हूँ उसको, अनुनाद ऊर्जा। ठीक है ना, जिससे कि आपको आसान लगे। अनुनाद ऊर्जा को अगर मैं पहले पढ़ा देता तो थोड़ा सा टफ लगता आपको, क्योंकि उस समय तक अपने को इतनी क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों के बारे में। अब क्या हम गो थ्रू हो चुके हैं चैप्टर से इतने ज़्यादा, एरोमेटिक वगैरह की बातें, अनुनाद संरचनाओं की बातें, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत कॉमन हो चुकी है, इसलिए हम अनुनाद ऊर्जा अब पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं और अनुनाद ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अनुनाद ऊर्जा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस एनर्जी। एक अच्छा टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। नीट में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जेई में इससे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, है ना। नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जेई में जरूर रेजोनेंस एनर्जी का सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अनुनाद ऊर्जा होती क्या है बेटा, अनुनाद के दौरान जब चीज़ें अनुनाद हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण कर रहे हैं, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जाने के वक्त नाभिक के पास आ रहे होंगे, तो उस दौरान जो ऊर्जा निकल रही होगी उसको क्या बोलेंगे, अनुनाद ऊर्जा बोलेंगे। क्योंकि किस वजह से वो ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकली है, वो ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकली अनुनाद की वजह से, इसलिए उसको किस में काउंट किया जाएगा, अनुनाद ऊर्जा के रूप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि अनुनाद ऊर्जा होती क्या है, रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, तो एक सूत्र से पता चलता है हमें कि अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। अनुनाद ऊर्जा होती है एनर्जी ही जो होती है हमारी सर्वाधिक स्थायी आरएस, आरएस मतलब अनुनादी संरचना, अनुनाद संरचना की बात कर रहे हैं। जो मोस्ट स्टेबल आरएस होगी, हमारी सर्वाधिक स्थायी आरएस होगी, उसकी एनर्जी में से हम किसको माइनस कर देंगे बेटा, अनुनाद संकर की ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए क्या आ जाएगी बेटा, अनुनाद ऊर्जा आ जाएगी। अनुनाद संकर की ऊर्जा को सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना की ऊर्जा से अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारे लिए क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अनुनाद ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ये हमारे लिए इसकी डेफिनेशन हो गई कि डेफिनेशन क्या होती है अनुनाद ऊर्जा की, सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना की ऊर्जा को अनुनाद संकर की ऊर्जा से अगर हम माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए अनुनाद ऊर्जा निकल के आ जाएगी। और अगर इसको देसी भाषा में बोलूँ, तो अनुनाद के दौरान निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आती है आपको। अब सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना आपको देखना आता है, मैंने उसके लिए 5-6 नियम लिखाए थे, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा द्विबंध देखते हैं, फिर ऑक्टेट कंप्लीट देखते हैं, अष्टक पूर्ण, फिर क्या देखते हैं, उदासीन और आवेश वाला, वो सारे नियम आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको अनुनाद संरचनाओं को कैसे स्थायी क्रम देखते हैं वो उसके नियम मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तो सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना और अनुनाद संकर की एनर्जी को माइनस कर दो, अनुनाद ऊर्जा आ जाएगी। एक तरीका तो ये है बेटा निकालने का। और दूसरा, जो आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन करोगे, भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन करोगे, तो उसमें इस तरह से भी क्वेश्चन को दे सकता है, और दूसरी तरीके से अनुनाद ऊर्जा का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को मैंने शॉर्ट में HOH लिखा था। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा या हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा बोल सकते हो। हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा अपेक्षित, मतलब एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी आनी चाहिए वो, और उसमें से जो वास्तविक थी उसको घटा दो। ठीक है, अपेक्षित में से वास्तविक हाइड्रोजनीकरण को ऊर्जा को या हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा को घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, हमारा अनुनाद ऊर्जा निकल के आ जाएगा। HOH अपेक्षित और HOH वास्तविक, HOH एक्सपेक्टेड में से HOH रियल को घटा दोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, अनुनाद ऊर्जा निकल के आएगा। इस बात को समझते बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से ये बात समझ में आएगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात हुई है तो पहले भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि एक मोल एल्कीन पे हाइड्रोजनीकरण करने के दौरान निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पे पाई बंद है बेटा, जब मैं इसमें हाइड्रोजन का योग करूंगा तो हाइड्रोजन का योग करने पर क्या आएगा, यहाँ पर एक पाई बंद टूट के दो सिग्मा बंद बनेंगे, और पाई बंद और सिग्मा बंद में ज्यादा
बढ़िया कौन सा है हमारे लिए? सिग्मा वन। सिग्मा वन ज्यादा प्रबल होता है। अब क्योंकि प्रबल चीज बनी है, एक दुर्बल चीज को तोड़ के दो प्रबल चीज बनी है, तो सिस्टम में से ऊर्जा बाहर निकली होगी। और सिस्टम में से कितनी ऊर्जा बाहर निकली होगी बेटा? यहाँ पे 29 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा बाहर निकली होगी, एक अनुमान है ना। ठीक है, एनर्जी हमने ये एक्सपेक्ट बोल सकते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में जाके, प्रयोगशाला में जाके, और हमारे लिए कितनी ऊर्जा बाहर निकली जब एक पाई बंद तोड़ के दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बंद बनाए, तो 29 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा बाहर निकली। अगर इसी आइटम को मैं दोबारा दोहराऊं, यहाँ पे ध्यान दो आप, अब की बार मैंने बेटा दो पाई बंद ले लिया और इसकी दो मोल हाइड्रोजन निकल के साथ अभिक्रिया कराई, तो अब की बार कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा? चार हाइड्रोजन जुड़ेंगे। दो दुर्बल पाई बंद टूट के चार प्रबल सिग्मा बंद बनेंगे, तो एनर्जी कितनी निकलेगी बेटा? डबल निकलेगी। और 29 का डबल कितना होता है? 58, है ना, ये तो कर लोगे ना। 29 का डबल कितना होता है? 58। तो यहाँ से कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी? 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा बाहर निकलेगी। बात समझ में आती है आपको? अगर इसी आइटम को मैंने हाइड्रोजनीकरण किया, अब की बार हाइड्रोजनीकरण मैंने दो पाई बंदों के लिए किया जो कि संयुग्मित है, ये पाई सिग्मा पाई कैसे संयुग्मित, यानी कि इसमें अनुनाद हो रहा होगा, तो इसमें भी कितने हाइड्रोजनेशन करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए अपने को? दो हाइड्रोजन चाहिए बेटा, वही चार हाइड्रोजन इसमें सिग्मा बंद के रूप में जुड़ जाएंगे। लेकिन अब की बार जो ऊर्जा निकल रही है बेटा, वो 55 किलो कैलोरी पर मोल ही निकल रही है। निकलनी कितनी चाहिए थी बेटा? 58 निकलनी चाहिए थी, निकल कितनी रही है? 55। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्कीन थी ये कैसी थी? संयुग्मित थी, यहाँ पे अनुनाद हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? आनी कितनी चाहिए थी हमारे लिए, अपेक्षित कितनी थी कि 58 हमारे लिए एक्सपेक्टेड थी कि 58 निकल के आनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में कितनी आई बेटा? 55 निकल के आई। तो यानी कि कितने किलो कैलोरी पर मोल कम निकल के आई बेटा? 3 किलो कैलोरी पर मोल निकल के आई। और उसी को हम क्या बोल देंगे? अनुनाद ऊर्जा। क्योंकि सिस्टम पहले से स्थायी है, अनुनाद के नाम पे वो पहले से ऊर्जा छोड़ चुका है अनुनाद के नाम पे, तो वो किस में काउंट होगी बेटा? अनुनाद ऊर्जा में काउंट होगी। इस सिस्टम में अनुनाद हो रहा है जबकि सिस्टम में अनुनाद नहीं हो रहा, तो ये सिस्टम अनुनाद के नाम पे पहले ही ऊर्जा छोड़ चुका है। मतलब मैं कहना चाहूँ आपसे, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊँ, स्थायी स्थिति ऊर्जा का ग्राफ बनाऊँ, तो यहाँ पर ये वाली पहले ऊपर वाली एल्कीन बना रहा हूँ और फिर थोड़ी सी नीचे नीचे वाली एल्कीन बना रहा हूँ, ये वाली। तो इसकी ऊर्जा अगर ये आ रही है तो इसकी ऊर्जा ये आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल है। और ये ऊर्जा क्या है? अनुनाद ऊर्जा है। ये सिस्टम अगर संयुग्मित होता तो ये पहले से स्थायी हो गया। पहले से स्थायी क्यों हो गया? क्योंकि अनुनाद के नाम पे पहले से ऊर्जा छोड़ चुका है। कितनी ऊर्जा? 3 किलो कैलोरी पर मोल। आना दोनों को हाइड्रोजनीकरण करके कहाँ पे बेटा? साइक्लोहेक्सेन पे ही है। ये भी दो मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके आएगा, ये भी दो मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे आएगा, लेकिन ये पहले से स्थायी है क्योंकि ये इसमें सिस्टम कैसा था? संयुग्मित था। 3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा पहले ही छोड़ चुका था, और वो ऊर्जा किस में काउंट होगी? क्योंकि अनुनाद हो रहा था तो अनुनाद ऊर्जा में काउंट होगी। और जिसकी स्थिति ऊर्जा कम होती है वो स्थायी होता है, ये आपको पता ही है। वही पहले माले और आठवें माले वाली बात है कि जो पहले माले पर खड़ा होगा वो ज़्यादा स्थायी है आठवें माले के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में। और देखो देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर अब की बार 3 एल्कीन लगा दी बेटा, मतलब बेंजीन वाला सिस्टम ले लिया, तो 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए मुझे। कितने चाहिए? 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए इसका हाइड्रोजनीकरण करने के लिए। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा? 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पे ऊर्जा कितनी निकलनी चाहिए थी? एक पाईबंद के लिए 29 निकल रही है, तो 3 के लिए 87 निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे निकल रही बेटा 51 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि हमारे लिए जो अनुनाद ऊर्जा आ जाएगी वो कितनी आएगी? निकलनी कितनी चाहिए थी बेटा? 87, और आ कितनी रही है? 51। यानी कि कितने का फायदा पहले से ही था हमें, 36 किलो कैलोरी पर मोल का फायदा पहले से था, तो वो किस में काउंट होगी? अनुनाद में होगी, क्योंकि इसमें अनुनाद और ज्यादा हो रहा है। तो जितना अधिक अनुनाद होगा उतनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे केवल इस पाई और इस पाई के बीच में अनुनाद था, यहाँ पे 3-3 पाई के बीच में अनुनाद है, तो यहाँ पे अनुनाद ऊर्जा ज्यादा निकली है। जितना ज्यादा सिस्टम में अनुनाद होगा उतनी ज्यादा सिस्टम में अनुनाद ऊर्जा होगी। ये बात समझ में आती है आपको? आनी कुछ और चाहिए थी, आ कुछ और रही है, और वो जो डिफरेंस है और वो जो मतलब अंतर है वो क्या है? आपका अनुनाद ऊर्जा का अंतर है। अगर सिस्टम में अनुनाद हो रहा है तो ध्यान से सुनना इस बात को, यदि सिस्टम में, यदि निकाय में, यदि यौगिक में अनुनाद है तो ही अनुनाद ऊर्जा आएगी। अगर यौगिक में अनुनाद ही नहीं है तो अनुनाद ऊर्जा नहीं आएगी, वो किसी और चीज़ की ऊर्जा होगी। फिर ये बात समझ में आनी चाहिए यार। ऑब्वियस सी बात है ना, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी का नाम दिया है, तो भाई वो चीज़ होनी भी तो चाहिए, वो चीज़ एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए, तभी तो उसके बारे में बोल सकते हो आप। बात समझ में आ रही है?
तो अनुनाद होगा तो ही अनुनाद ऊर्जा होगी। तो आओ कुछ पॉइंट्स लिखते बेटा, मेरे हिसाब से अनुनाद ऊर्जा समझ में आएगी। अनुनाद ऊर्जा समझने के लिए दो पॉइंट्स काफी थे और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे अनुनाद ऊर्जा निकलती है, और जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा निकलेगी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा बेटा कि यदि सिस्टम में अनुनाद होगा तो ही हम अनुनाद ऊर्जा की बात करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये बात समझ में आती है आपको? तो सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यदि यौगिक में अनुनाद है तो ही उसमें अनुनाद ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर यौगिक में अनुनाद ही नहीं है तो हम अनुनाद ऊर्जा की बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें कोई अगर हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें और इसमें दो यौगिक दे दिए, हमें पूछा जाए कि अनुनाद ऊर्जा कंपेयर करो, तो सबसे पहले ये देखेंगे उसमें अनुनाद है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसकी अनुनाद ऊर्जा जीरो हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, जितना अधिक अनुनाद होगा उतनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकलेगी, ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ अभी के अभी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जितना अधिक अनुनाद होगा उतनी अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये समझा भी दिया मैंने। जितना अधिक आपका अनुनाद होगा सिस्टम में उतना अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। और इसी के आगे लिख लो, यदि अनुनाद नहीं होगा तो अनुनाद ऊर्जा भी नहीं होगी, खत्म। हालांकि ये पॉइंट ऊपर ही कवर कर लिया मैंने, अगर अनुनाद ही नहीं है तो अनुनाद ऊर्जा भी नहीं होगी। ठीक है, तीसरी बात बेटा, मैं आपको अनुनाद ऊर्जा बोलते रहूं लेकिन अनुनाद ऊर्जा का स्थाई से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये सिस्टम में अनुनाद है और इसमें नहीं है तो ये स्थाई है ये नहीं है, ऐसे आप तुलना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई चीज़ें ऐसी आ रही है जिसमें दोनों में अनुनाद है और हमें मौका मिल रहा है कि हम उसको अनुनाद ऊर्जा के बेसिस पे कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, तो हम जरूर करेंगे। लेकिन हमेशा स्थाई को देखने का तरीका अनुनाद नहीं है, अनुनाद ऊर्जा नहीं है। बात समझ में? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि स्थाई का अनुनाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसा लिख लो आप। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी बेटा, जो आइटम काप धनायन को स्थाई कर सकता था वो काप ऋणायन को क्या करता था, अस्थाई करता था। जैसे अपन NO2 की बात करें तो वो काप ऋणायन के लिए अच्छा है लेकिन वो काप धनायन के लिए कैसा है, बेकार है। तो हम ये चीज बोलना कि अनुनाद है तो स्थाई होगा, ये चीजें गलत है बेटा। ये सब चीज़ें रिलेटिव हैं, सापेक्ष वाली बातें हैं। ठीक है, क्या चीज़ लगी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमारे यौगिक को स्थाई कर रहा है या अस्थाई कर रहा है। तो उसी प्रकार से अगर अनुनाद हो रहा है तो क्या पता वो स्थाई कर रहा हो सकता है वो अस्थाई कर रहा हो। अगर स्थाई कर रहा है तो अनुनाद ऊर्जा स्थाई के लिए काउंट हो जाएगी, अगर अस्थाई कर रहा है तो उसके लिए काउंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूँ आपके सामने, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा Cl- और मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऋणायन। ठीक है, ये ए बोला और ये बी बोला। अगर इन दोनों में आपसे अनुनाद ऊर्जा के बारे में कोई पूछेगा तो भैया इसमें तो अनुनाद हो ही नहीं रहा और इसमें अनुनाद हो रहा है, तो अनुनाद ऊर्जा किसकी ज़्यादा आएगी बेटा? यहाँ पर ये इस तरह से बी ग्रेटर देन ए, बी की ए से अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा आएगी। ऑब्वियसली बात है बेटा, इसमें अनुनाद है इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि अनुनाद ऊर्जा किसकी ज़्यादा आएगी, बी की ए से ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर मैं स्थाई की बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो स्टेबिलिटी के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक कार्बन पे ऋणायन है, यहाँ पे एक क्लोरीन पे ऋणायन है। ठीक है, तो ज़्यादा स्थाई ऋणायन किस पे बेटा? क्लोरीन पे ऋणायन ज़्यादा स्थाई है कार्बन के ऋणायन से। तो क्लोरीन पे ऋणायन ज़्यादा स्थाई है तो बेटा हमें ए ग्रेटर देन बी बोलना पड़ेगा। यहाँ पर अनुनाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ अनुनाद लग रहा है या नहीं लग रहा तो ये ज़्यादा स्थाई हुआ, नहीं। अगर मान लो यहाँ फ्लोरीन पे ऋणायन होता है या कार्बन पे ऋणायन होता तो फ्लोरीन का ऋणायन ज़्यादा स्थाई है क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन कैसा होता है, अधिक स्थाई होता है। तो अनुनाद ऊर्जा का स्थाई से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था और दोबारा मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी क्लियर कर दिया। और मैं आपको वो वाला एग्जांपल जितने भी आपने किए आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी चीज़ को अगर काप धनायन स्थाई कर रहा है तो वही चीज़ काप ऋणायन को क्या कर रही है बेटा, अस्थाई कर रही है। ठीक है ना, तो अनुनाद कोई स्थाई के लिए बनाया नहीं गया। हाँ, अगर उससे स्थाई आता है तो बढ़िया है,
नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम उसी के हिसाब से सोच लेंगे। बात समझ में आई? अब अनुनाद ऊर्जा के जो सवाल आते हैं, ठीक है, मैंने 7 प्रोफाइल में उन सवालों को डाला हुआ है ना, 7 तरीके से आपको सोचना है, ठीक है ना। अब देखो मुद्दा यही होता है, सवालों को करने के लिए हमें जानकारी की जरूरत होती है बेटा, सीधी सी बात है। अगर हमारे हाथ में कंसेप्ट है तो हम सवाल को कर लेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का कंसेप्ट सब में चलता है, कंसेप्ट डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। उन कंसेप्ट्स को अगर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ लें तो क्या होगा कि उसी प्रोफाइल के सवाल रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने अनुनाद ऊर्जा के जितने भी सवाल आते हैं मैंने उसको 7 प्रोफाइल में कवर कर रखा है। अगर आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने उस 7 प्रोफाइल को कवर अप कर लिया, ठीक है ना, उस 7 तरह के सवालों को आपने मान ली, तो आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आप कोई भी सवाल में नहीं अटकोगे, वो 7 प्रोफाइल के ऊपर एक भी सवाल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? तो वो 7 प्रोफाइल अभी मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, तब तक आप यहाँ तक नोट डाउन करो। हमें लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब वो सारे के सारे प्रोफाइल अपन देख लेते हैं बेटा। तो मैंने उसको नाम क्या दिया है, सबसे पहले तो नाम देखेंगे, उसके बाद प्रोफाइल कवर करते जाएंगे। अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण रेजोनेंस एनर्जी प्रभावित होने वाली है, अनुनाद ऊर्जा प्रभावित होने वाली है, वो चीज की बात है बेटा, ठीक है। तो आप यहां पे देखो, सबसे पहला जो मैं लेने जा रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट की बात करूं तो केस नंबर फर्स्ट है हमारे लिए मात्रा के आधार पर। बात समझ में आ रही? तो यहां पर हम हेडिंग लगाएंगे मात्रा के आधार पर। अभी बता दूंगा मैं, मात्रा वो नहीं है कि ए ई या वो वाली मात्रा की बात नहीं कर रहा मैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं बेटा, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं यहां पर। तो मैं बोलूंगा जितना अधिक यौगिक में अनुनाद होगा उतनी अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी, सिंपल सी बात है। जितनी ज्यादा अनुनाद संरचना बनेगी बेटा उतनी ज्यादा यौगिक में कैसी होगी, अनुनाद ऊर्जा होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं सारी की सारी प्रोफाइल आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। यहां पे मैंने ये एग्जांपल लिया बेटा, और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए ये वाला, ठीक है। ये ए है, ये बी है, आपको बताना है कि किसमें अनुनाद ऊर्जा ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया जिसमें अनुनाद ज्यादा होगा उसमें अनुनाद ऊर्जा ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर जब अनुनाद ऊर्जा की बात करोगे तो यहां पर अनुनाद संरचना ज्यादा बनेगी, यहां पर अनुनाद संरचना कम बनेगी। यहां पर 3 ही अनुनाद संरचना बनेगी, यहां पर 3 से ज्यादा बनेगी। यहां 3 कैसे बनेगी, इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और ये खुद वाला भी काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 बन रही है, यहाँ पर ज्यादा बन रही है, तो बताओ अनुनाद संरचना ए के लिए ज्यादा बन रही है बी से, इसलिए अनुनाद ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, ए की बी से ज्यादा होगी। पहला एग्जांपल मैंने कराया, दूसरा एग्जांपल बेटा आप लोग ट्राई करोगे। एक बार मैंने बायफेनिल ले लिया बेटा, और दूसरी संरचना मैंने ले ली नेफ्थलीन की। तो ए और बी में आपको बताना है कि अनुनाद ऊर्जा किसके लिए ज्यादा होगी, पोस्ट करो और एक बार ट्राई करो। तो आपने ट्राई किया होगा, इसके लिए कितनी अनुनाद संरचना आएगी बेटा, 4 अनुनाद संरचना आएगी, जबकि नेफ्थलीन के लिए कितनी आएगी, 3 अनुनाद संरचना आएगी। इसके लिए 4 क्यों आएगी, एक तो ये खुद है बेटा, एक इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को घुमाओ, सिर्फ इसके वाले को फोटो खींच लो, दूसरी आ गई। एक बार इसके वाले को घुमाओ फोटो खींच लो, तीसरी आ गई। एक बार दोनों बेंजीन को घुमाओ, चौथी फोटो आ गई। चारों फोटो अलग अलग होगी, कोई भी एक दूसरे पे अतिव्यापित नहीं हो सकती, मतलब ओवरलैप नहीं हो सकती। इसकी 4 बनेगी जबकि इसकी 3 ही अनुनाद संरचना बनेगी। तो अनुनाद ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, जिसमें अनुनाद ज्यादा हो रहा है बेटा, तो ए में अनुनाद ज्यादा हो रहा है बी से, तो ए ग्रेटर देन बी हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? पहला जो है हमारा मात्रा के आधार पर, उसमें मैंने आपको 2 उदाहरण कराए। अगर मैं सारे करा दूंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, है ना। शीट वगैरह भी करेंगे अपन, तो उसमें भी इसके सवाल देखने को मिलेंगे, तो अपन वहां पे और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, केस नंबर सेकंड, पहला मात्रा के आधार पर था, दूसरा है बेटा गुणवत्ता के आधार पर। पहला मैंने बोला था
क्वांटिटी के आधार पर बोला था, दूसरा बेटा क्वालिटी के आधार पर बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। पहला मैंने क्वांटिटी की बात करी थी, अब क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब जितना बढ़िया क्वालिटी का अनुनाद होगा उतनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा होगी। और बढ़िया क्वालिटी का मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद और ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद। तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद कैसा होता था? बढ़िया क्वालिटी का होता था। अब आपको ट्राई करना है बेटा, मैंने आपको हिंट भी दे दी, जैसे मैंने यहाँ पे RCO माइनस लिख दिया और ये मैंने ऑक्सीजनाइल लिख दिया, ये पहला एग्जाम्पल है मेरा ए और बी, ठीक है। आपको बताना है किसमें अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वालिटी देखो और अनुनाद ऊर्जा का पता करो, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल से हैं, ज़्यादा टिपिकल चीज़ें कोई नहीं पूछ रहा, आपका टेस्ट ले रहे हैं वो कि आपको चीज़ें पता है या नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट लागू करना आता है या नहीं आता। वो आपको ऐसे जज नहीं करते हैं एग्ज़ाम वाले कि भैया आपको बहुत टिपिकल चीज़ें आती कि नहीं आती, वो ये जानना चाहते हैं आपको चीज़ें आती है और आप उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बस है ना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाली बात है। तो जब अपन पहला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगी बेटा, अनुनाद ऊर्जा को कंपेयर करना है। तो देखो मैं रीज़न कैसे बोलता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चल रहा है। यहाँ पर दोनों अनुनादी संरचना कैसी बनेगी? इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसी अनुनाद संरचना बनेगी। यहाँ पर पांच अनुनादी संरचना बनेगी। अगर मैं आपको ये वाला केस नहीं पढ़ाता और पहले वाले केस से बात करते तो आप बी गर्दन ए कर देते कि पाँच आर एस और दो आर एस में सर पाँच वाली जीत जाएगी। लेकिन बेटा अपन को क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन टू कार्बन चल रहा है। ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का अनुनाद कौन सा है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, इसलिए ए ग्रेटर देन बी। ज़्यादा अच्छी ऊर्जा कहाँ निकलेगी? ए में ज़्यादा निकलेगी क्योंकि यहाँ पर अनुनाद बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से सेकंड वाला आप खुद ट्राई करो पोस्ट करके एक बार। तो यहाँ पर जब आपने ट्राई किया होगा बेटा तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अनुनाद चल रहा है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चल रहा है। यहाँ पर कितनी एक जैसी आर एस आ रही है बेटा? दो एक जैसी आ रही है। यहाँ पर कितनी एक जैसी आर एस आ रही है बेटा? तीन आर एस एक जैसी आ रही है। आर एस मतलब अनुनाद संरचना। यहाँ पर कितनी एक जैसी आ रही है बेटा? पाँच अनुनाद संरचना एक आ रही है, एक जैसी नहीं है लेकिन वो। तो अगर मैं अनुनाद ऊर्जा की बात करूँ तो पहले एक जैसी वाली आर एस जीतेगी और सिंपल आर एस बाद में आएगी। तो सी तो सबसे लास्ट में आएगा, ए और बी में तुलना करनी बेटा, बी जीत जाएगा ए से और फिर सी सबसे आखिरी में। इसका तो रीज़न देने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन तो दोनों में ही चल रहा था लेकिन यहाँ पे तीन एक जैसी अनुनाद संरचना आ रही है, यहाँ पे दो एक जैसी आ रही है तो इसलिए बी जीतेगा, फिर ए फिर सी लास्ट में आ जाएगा। बात समझ में? तो दूसरी तरह की प्रोफाइल थी, है ना। केस नंबर थर्ड बताता हूँ बेटा आपको, पोस्ट करके लिख लिया करो आप। तीसरी तरह की प्रोफाइल कैसी होती है? और तीसरी तरह की प्रोफाइल देखते हैं बेटा कि तीसरी तरह से कैसे अनुनाद ऊर्जा के सवाल बन सकते हैं। तो केस नंबर थर्ड, क्रॉस एवं एक्सटेंडेड अनुनाद के आधार पर। अब क्रॉस और एक्सटेंडेड अनुनाद होता क्या है वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है, कि क्रॉस अनुनाद क्या होता है और एक्सटेंडेड अनुनाद क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुनाद ऊर्जा जो होती है वो एक्सटेंडेड की ज़्यादा होगी क्रॉस से। क्यों होगी? क्योंकि एक्सटेंडेड वाला जो है वो अच्छी गुणवत्ता का अनुनाद है क्रॉस के सापेक्ष, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि एक्सटेंडेड अनुनाद क्या होता है और क्रॉस अनुनाद क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा पाई पाई और यहाँ पर तीसरा पाई बना दिया। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई बना दिया। इसको ए बोला बेटा, इसको बी बोला। जब मैं यहाँ पर अनुनाद कराऊंगा तो ये इधर जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ सकता है। मतलब एक पूरी चेन चल रही है अनुनाद की एक ही रेल में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, और लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ज़्यादा अनुनाद संरचना बन जाएगी। जबकि यहाँ पर देखो ये वाला पाइबंद जब चलेगा तो ये इसके साथ चला गया, तो ये वाला पाइबंद अगर इसके साथ चला गया तो वो इसके साथ कभी भी नहीं जा सकता। अगर मान लो ये इसके साथ जा रहा है तो फिर इसको इसके साथ जाना पड़ेगा, मतलब ये वाला पाइबंद क्रॉस में या तो ये इसके साथ जाएगा या तो ये इसके साथ जाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसी बात ही नहीं है, यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्सटेंडेड अनुनाद चल रहा है। यहाँ पर ये वाला पाइबंद इसके साथ भी जा सकता है बेटा, इसके साथ भी जा सकता है, यानी कि इस अनुनाद को क्या बोलते हैं, क्रॉस हो गया बेटा। ये क्रॉस अनुनाद है, ये कैसा, एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड अनुनाद हमारे लिए कैसा होता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसलिए अनुनाद ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, एक्सटेंडेड वाले की ज़्यादा होगी क्रॉस से।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दूसरा एग्जांपल देखो आप, अब आपको खुद को करना है, ठीक है? ये ए है, ये बी है। आपको खुद को पहले ये ऑब्जर्व करना है किसमें क्रॉस हो रहा है और किसमें एक्सटेंडेड हो रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही ना किसमें क्रॉस हो रहा है किसमें एक्सटेंडेड हो रहा है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहां तक दिखता है आप लोग को? ये तीन सवाल लिखे पहले मैंने, इधर चौथा लिख देता हूँ बेटा, फिर चौथा बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ए है, ये बी है, ठीक है? पहले अभी तीन सवाल ट्राई करो पोज करके बेटा, फिर चौथे की बात करेंगे। तो जब आपने इन तीन सवालों को ट्राई किया होगा, तो पहला तो मैंने कर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी कि आपको ए की बारे में पूरा चलता हुआ दिख रहा है, ये एक्सटेंडेड है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर या तो इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, दोनों में से एट ए टाइम एक ही दिशा में जाएगा, दोनों दिशा में एक बारी में तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये वाला कैसा बेटा? क्रॉस है। और क्रॉस और एक्सटेंडेड में कौन जीतता है? एक्सटेंडेड जीतता है बेटा, इसलिए ए ग्रेटर देन बी आंसर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला अनुनाद जो है ये इसके फेवर में, ये इसके फेवर में, ये इसके फेवर में, यानी कि ये तो कैसा बेटा? एक्सटेंडेड। जबकि अपन यहाँ पे बात करें तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाता है तो ये इधर आ रहा है, ठीक है? तो ये सी डबल बॉन्ड हो या तो इसके साथ पाई बंद के साथ कर सकता है, या ये सी डबल बॉन्ड हो इस पाई बंद के साथ कर सकता है, दोनों के साथ तो कर नहीं सकता, यानी कि ये कैसा है? क्रॉस है। तो अनुनाद ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी बेटा? एक्सटेंडेड की क्रॉस से ज़्यादा होगी। बात समझ में आती है आपको? सिंपल सी बात है। चौथा एग्जाम्पल आप ट्राई करो एक बार पोज करके। तो यहाँ पर देखा होगा आपने बेटा, आपको लोगों को ये वाला इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, ठीक है? तो आपको ये क्रॉस लग रहा होगा और ये वाला पूर्ण रूप से इधर की तरफ जा सकता है, ठीक है? तो ये आपको एक्सटेंडेड लग रहा होगा। तो आप यहाँ पे अपन ने बेवकूफ़ी कर दी बेटा, थोड़ी सी यहाँ पर बेवकूफ़ी क्या कर दी? जब मैं इसका अनुनाद चलाऊँगा बेटा, तो इसका अनुनाद चलाने के बाद देखो यहाँ पर जो संरचना बनेगी, ये ऋणायन पाईबंद में बदलेगा और ये पाईबंद किस में बदलेगा? ऋणायन में। और ये दोनों एक ही जैसी है, अलग अलग नहीं है। बात समझ में ही? तो जो बी लिखा है वही ए है बेटा, उसी की अनुनाद संरचना लिखी हुई है। तो एक क्रॉस नहीं है बेटा, ये एक्सटेंडेड ही है, ठीक है? और यहाँ पर ये इस तरह से दिशाओं में नहीं चलेगा, दोनों सेम की सेम संरचना है। सारी अनुनाद संरचना कैसी है बेटा? सेम है। और मैं तो आपको बोला ही था कि अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना में से अनुनाद संकर की ऊर्जा को माइनस करोगे तो आपकी अनुनाद ऊर्जा आएगी। यानी कि सभी संरचनाओं की अनुनाद ऊर्जा कैसी आती है? समान आती है, क्योंकि सर्वाधिक स्थायी एक ही हो सकती है और दूसरी बात क्या है, अनुनाद संकर भी एक ही हो सकता है, तो सबकी एक जैसी आएगी। तो यहाँ पे अनुनाद ऊर्जा की बात करूँ तो ये दोनों संरचना तो एक दूसरे की अनुनाद ही संरचना ही है, यानी कि इन दोनों के लिए अनुनाद ऊर्जा सेम आएगी। अरे सोच के देखो, अनुनाद ऊर्जा यौगिक के लिए है, अनुनाद संरचना के लिए नहीं है, क्योंकि अनुनाद संरचना तो बेटा क्या है, वो तो काल्पनिक है, और अनुनाद ऊर्जा क्या है? वास्तविक चीज़ है। तो वास्तविक चीज वास्तविक चीजों के लिए होगी ना यार, काल्पनिक चीजों के लिए थोड़ी ना होगी। तो अनुनाद संरचना के लिए अनुनाद ऊर्जा नहीं होती, यौगिक के लिए होती है। और ये दोनों यौगिक एक ही हैं, बस एक दूसरे की अनुनादी संरचना है, इसलिए दोनों की अनुनाद ऊर्जा समान आ रही है। जबकि इधर देखो आप, ये वाला यौगिक अलग अलग है बेटा, कभी भी इसकी अनुनाद संरचना ये नहीं आ सकती, कभी भी इसकी अनुनाद संरचना ये नहीं आ सकती, यहाँ पे तो स्थितियां चेंज हो गई, इसलिए ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला केस देखते हैं बेटा, केस नंबर 4। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अनुनाद ऊर्जा निकालते हैं। तीन केस बता दिए, तीनों में अलग अलग तरीके के सवाल दिखे होंगे आपको। अब केस नंबर 4 में फिर से अलग से सवाल दिखेंगे बेटा आपको, अतिव्यापन के आधार पर। अतिव्यापन मतलब क्या होता है बेटा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के आधार पर देखते हैं अपन, ओवरलैपिंग के आधार पर कैसे अनुनाद ऊर्जा में फर्क आएगा। जैसे सीधे एग्जांपल से बात करते हैं बेटा,
हमें तो देखना है कि क्वालिटी अनुनाद होना चाहिए, है ना। अनुनाद जितनी बढ़िया क्वालिटी का होगा उतनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा निकलेगी, ठीक है ना। तो अतिव्यापन से वही लेना देना है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया बेटा मैंने, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया मैंने, इसको सेकंड नहीं इसको बी लिखेंगे, तीसरा मैंने आपके लिए ले लिया क्लोरीन ले लिया था ना, ब्रोमीन ले लिया, और चौथा ले लिया बेटा आयोडीन। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। अब आपको वैसे ही हिंट मिल गई होगी कि अति व्यापन बोल रहा है, और यहाँ पर देखो जो बंद बन रहा है ना, यहाँ पे ये लोन पेयर किसके साथ अनुनाद में बेटा, इस पाइबंद के साथ अनुनाद में, तो कुछ इस तरह से चलेगा, लोन पेयर पाइबंद में बदलेगा और पाइबंद किसने बदलेगा, ऋणायन में। तो वो जो बंद बन रहा है उसके वजह से ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकलेगी, और वो बंद किसकी वजह से बन रहा है, फ्लोरीन और पाइबंद के लोन, फ्लोरीन के लोन पेयर और पाइबंद के बीच में अनुनाद होने की वजह से हो रहा है। तो सारा कांड जो हो रहा है वो अनुनाद के कारण हो रहा है, इसलिए वो काउंट किस में होगी, ऊर्जा अनुनाद ऊर्जा में काउंट होगी। बंद बन रहा है बेटा, बंद बनता है तो सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकलती है। अब यहाँ पे जो बंद बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा, 2p 2p, यहाँ पे जो बन रहा है वो 2p 3p, यहाँ पे 2p 4p बनेगा, और यहाँ पे 2p 5p बनेगा। अब मुझे आप बता दो कि बंद किसकी वजह से रहा है, अनुनाद की वजह से। जितना बढ़िया क्वालिटी का बंद बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, लेकिन वो अनुनाद की वजह से बन रहा था, इसलिए वो एनर्जी किस में काउंट हो जाएगी, अनुनाद में काउंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार। तो आंसर क्या जाएगा, ए गड़ देन, बी गड़ देन, सी गड़ देन, डी आ जाएगा। बात को दोबारा सुनना, अनुनाद की वजह से बंद बन रहा है तो वो बंद बढ़िया क्वालिटी का जिसमें बनेगा उससे ऊर्जा बाहर ज़्यादा निकलेगी, लेकिन वो बंद किसकी वजह से रहा था, अनुनाद की वजह से, इसलिए वो बंद ऊर्जा के रूप में काउंट नहीं होगी, वो किसके रूप में काउंट होगी, अनुनाद ऊर्जा के रूप में काउंट होगी। 2p 2p वाला बढ़िया है, 2p 5p वाला बेकार है। तो 2p 2p में बंद ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, लेकिन वो बंद ऊर्जा नहीं है, अनुनाद ऊर्जा है, क्योंकि अनुनाद हो रहा था। पहला एग्जांपल मैंने कराया बेटा, दूसरा आप करोगे और तीसरा भी आप करोगे, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे लिए, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पर S माइनस, ये A है, ये B है ना, ट्राई करो आप इसको। तीसरा एग्जांपल इधर लिख रहा हूँ, फ्यूरान और ये है बेटा थायोफीन, ये ए है, ये बी है। आपको अनुनाद ऊर्जा की तुलना करनी है केस नंबर 4 में। तो सबसे पहले आपने इसमें अनुनाद ऊर्जा की तुलना करी होगी, पोज करके एक बार ट्राई कर लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऋणायन बेटा अनुनाद में जा रहा है इस बेंजीन के साथ, और यहाँ पे सल्फर का ऋणायन अनुनाद में जा रहा है इस बेंजीन के साथ। तो यहाँ पर जो बंद बनेगा वो 2p 2p वाला बनेगा बेटा, और यहाँ पे जो बंद बनेगा वो 2p 3p वाला बनेगा। लेकिन बंद किसकी वजह से बन रहा है, अनुनाद की वजह से, तो काउंट किस में होगी, अनुनाद ऊर्जा में। इसलिए ए ग्रेटर देन बी आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया क्यों अतिव्यापन की बात कर रहा हूँ? अरे यार इतना तो पता है ना आपको कि जैसे 2p 2p वाले हैं, तो 2p 2p वाले में जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, वो बढ़िया क्वालिटी की ओवरलैपिंग होगी। 2p 3p वाले की बात करूँगा तो 2p और 3p थोड़ा सा दूर चले जाएगा बेटा, तो उसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो कम होगी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कम पास में आएगा अपने। फिर 2p 4p वाला और दूर चले जाएगा, तो उसका बंद और बेकार होगा। इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए यार। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करो पोज करके बेटा, पोज कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। इधर देखते हैं अनुनाद ऊर्जा की बात करते हैं। यहाँ पे बेटा ये लोन पेयर इस पाइबंद के साथ अनुनाद में जा रहा है, सल्फर का लोन पेयर इस पाइबंद के साथ अनुनाद में जा रहा है। बंद बनेगा, अनुनाद के दौरान बन रहा है, काउंट किस में होगा, अनुनाद ऊर्जा में काउंट होगा। तो बंद कौन सा बढ़िया क्वालिटी का बनेगा, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे 2p 2p बनेगा और यहाँ पे 2p 3p बनेगा। बात समझ में ही आपको? ये केस नंबर 4 था। नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा, केस नंबर 5 की। तो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। केस नंबर 5 क्या है हमारे लिए बेटा, 4 लिखा हुआ है, इसको 5 लिख देते हैं। एरोमेटिकता के आधार पर
मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल बता रहा हूँ बेटा कि इस तरह से सवाल आ जाए तो आपको कैसे करना है, इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको कैसे करना है ना। चार तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए। अब इसमें बहुत सारी वेराइटी हो सकती है, लेकिन प्रोफाइल ये चार ही रहेगी, है ना। पांच ही प्रोफाइल क्या है हमारे लिए एरोमेटिक था, और जब मैं आपको एरोमेटिक था पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था अनुनाद का अनुप्रयोग है। अनुनाद की वजह से सिस्टम में एरोमेटिकता आती थी, फिर उसमें मैंने आपको बताया था एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप पहले वो वाला लेक्चर देखो जाके। तो मैंने जब स्थाई की तुलना करी थी तो स्थाई की तुलना क्या आती थी बेटा, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्थाई होता था, फिर नॉन एरोमेटिक होता था, और फिर एंटी एरोमेटिक होता था। स्थाई की बात करी थी तो ठीक है, तो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अगर यौगिक में अनुनाद की वजह से यौगिक एरोमेटिक हो जाता है तो ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी, नॉन एरोमेटिक होता है तो ऊर्जा कम निकलेगी, और एंटी एरोमेटिक होता है तो सबसे कम निकलेगी, वो बेकार एनर्जी मानी जाएगी पास वन में। क्योंकि यौगिक अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो अनुनाद नहीं करना चाहेगा, उस लेवल पे वो स्थाई नहीं हो पा रहा इस वजह से, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हम अगर डिस्कशन करें, यहाँ पाई ए और बी है, आपको अनुनाद ऊर्जा की तुलना करनी है। तो अगर मैं स्थाई का क्रम ये लिख रहा हूँ तो अनुनाद ऊर्जा का क्रम भी यही होगा बेटा, एरोमेटिक वाले की अनुनाद ऊर्जा नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक से। तो आप वही वाला कंसेप्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल है एकदम। एक बार पोज करो और ट्राई करो इसको, दो एग्जांपल दिए, पोज करो और ट्राई करो। तो ए फर्स्ट वाले में देखा होगा तो ये बेटा कैसा है नॉन एरोमेटिक, और बी वाला कैसा है एंटी एरोमेटिक। तो इन दोनों में अगर मैं तुलना करूँगा तो अनुनाद ऊर्जा किसकी ज़्यादा आएगी बेटा, ए वाले की बी वाले से ज़्यादा आएगी, क्योंकि ए वाला नॉन एरोमेटिक है, बी वाला एंटी एरोमेटिक है ना। ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है अभी, एंटी एरोमेटिक क्यों है, ठीक है। ए वाला कैसा है बेटा सेकंड वाले में नॉन एरोमेटिक, और बी वाला कैसा है बेटा एरोमेटिक। तो अनुनाद ऊर्जा की बात करूँगा तो एरोमेटिक के नाम पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल जाएगी सिस्टम में से। भाई स्थाई किस वजह से हो रहा है, बात को समझना, स्थाई हो रहा है वो बेटा, पहली बात तो अनुनाद होना जरूरी है। भले ही नॉन एरोमेटिक वाला केस आ जाए, अगर उसमें अनुनाद नहीं है तो फिर उसकी अनुनाद ऊर्जा तो जीरो ही हो गई, है ना। नॉन एरोमेटिक वाले में भी अनुनाद होना आवश्यक है ना, तो अनुनाद होना आवश्यक होना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि अगर मैं बात करूँ स्थाई की, तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा। जब मैं इसको स्थिति ऊर्जा के ग्राफ पर डालूंगा तो सबसे ऊपर कौन आएगा, एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। अभी नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के बीच का जो गैप है वो किससे भरूंगा मैं, अनुनाद ऊर्जा से। भाई स्थाई किसके कारण हो रहा है, वो जो एरोमेटिक आ रही है वो किसके कारण आ रही है, अनुनाद के कारण आ रही है। तो वो किसकी वजह से स्थाई हो रहा है बेटा, अनुनाद की वजह से, इसलिए वो ऊर्जा किस में काउंट होगी, अनुनाद ऊर्जा में काउंट होगी। तो पांच केस हो गए बेटा, पांच तरह की प्रोफाइल बताई मैंने आपको, छठी प्रोफाइल बता रहा हूँ मैं इधर, और देखो और किस तरह की प्रोफाइल बन सकती है। केस नंबर सिक्स, बेंजेनोइड संरचना के आधार पर, ठीक है, बेंजेनोइड संरचना के आधार पर। अब बेंजेनोइड संरचना क्या है बेटा, इसके लिए अपन को एक नियम पढ़ना पड़ेगा पहले, फ्राइज नियम। फ्राइज एक साइंटिस्ट था, फ्राइज ने अपना एक नियम दिया, उसने क्या बोला कि जितने ज़्यादा सिस्टम में बेंजीन जैसी संरचना होगी, जितनी ज़्यादा सिस्टम में बेंजीन जैसी संरचना होगी उतना ज़्यादा सिस्टम कैसा होगा, स्थाई। और जितनी ज़्यादा सिस्टम में बेंजीन जैसी संरचना होगी उतना ज़्यादा सिस्टम में क्या होगा, अनुनाद। और जितना ज़्यादा अनुनाद होगा उतनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकलेगी। तो फ्राइज के अनुसार क्या था, फ्राइज नियम के अनुसार यौगिक में जितनी अधिक संख्या में बेंजीन वलय होंगी वह यौगिक उतना अधिक स्थायी होगा, एवं अनुनाद ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी।
एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको क्या ऑब्जर्व करना है अपनी बढ़िया आंखों से, आपको बस एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि बेंजीन संरचनाएं किसमें ज्यादा होंगी। अगर वो चीज आपने ऑब्जर्व कर ली तो बेटा आपको आंसर देने से कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर आप वो चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो फिर आंसर आपको कोई दिलवा भी नहीं सकता। बात समझ में आ रही? सबसे पहले तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल देखूं, तो पहले एग्जाम्पल में देखो इस संरचना में दो बेंजीन वाले हैं। आप इसकी कितनी अनुनाद संरचना बना लो, सारी अनुनाद संरचना में ये बेंजीन और ये बेंजीन हमेशा रहेगी। सारी की सारी अनुनाद संरचना में दो बेंजीन संरचनाएं रहेंगी, वो भी इंडिविजुअल, अकेली अकेली। यहाँ पे मैं बात करूँ नेफ्थलीन के केस में, तो इसमें एक अनुनाद संरचना भी ऐसी है जो अभी मैंने बना रखी है, उस केस में केवल ये वाली वलय जो है ये बेंजीन की तरह दिख रही, ये वाली नहीं दिख रही। मैं मानता हूँ कि इसकी दूसरी अनुनाद संरचना में ये दोनों बेंजीन की तरह दिख सकती है, लेकिन क्या हर अनुनाद संरचना में ये दो बेंजीन दिखेगी? नहीं, एक ही बेंजीन दिख रही है, तो दो इंडिविजुअल बेंजीन नजर नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे हर अनुनाद संरचना में दो इंडिविजुअल बेंजीन नजर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर बोलूंगा मैं कि अनुनाद ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? एक ही, बी से ज्यादा होगी फ्राइज नियम के अनुसार। या तो ऐसे कर लो, या फिर इसमें अनुनाद संरचना ज्यादा बन रही है, इसमें अनुनाद संरचना कम बन रही है, वैसे कर लो। पहला वाला एग्जाम्पल, पहला केस जो होता है, इसमें चार अनुनाद संरचना बनेगी, इसमें तीन अनुनाद संरचना बनेगी, तो चार वाली तीन से जीत जाएगी। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, छठा केस है बेटा ये, है ना? किस किस तरह से सवाल आ सकते हैं वो वाली बातें चल रही है। एक संरचना ये बनाई मैंने और दूसरी संरचना बेटा मैंने ये बना ली। ऊपर वाला एंथ्रासीन है, नीचे वाला फिनेंथ्रासीन बना रहा हूं, ठीक है? और एंथ्रासीन को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने में और आसानी लगे। ये ए है, ये भी है, ऊपर वाला एंथ्रासीन है, नीचे वाला फिनेंथ्रासीन है। नाम पता होना चाहिए, अभी यार बहुत बार बता दिया आपको, एंथ्रासीन फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन में बेटा अनुनाद संरचनाएं कितनी बनती है? पांच अनुनाद संरचना बनती है, जबकि एंथ्रासीन में कितनी बनती है बेटा? चार अनुनाद संरचना बनती है। तो वैसे ही अनुनाद ऊर्जा का कंपैरिजन तो हो ही गया कि बी की ए से ज़्यादा आएगी, है ना, स्टार्टिंग वाले नियम से। लेकिन हम दूसरे नियम की बात कर रहे हैं बेटा, फ्राइज नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर ये बेंजीन की तरह दिख रही है और ये बेंजीन की तरह दिख रही है किसी एक अनुनादी संरचना में, बाकी में तो एक ही दिखेगी। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक बेंजीन संरचना, दूसरी बेंजीन संरचना और तीसरी बेंजीन संरचना, यहाँ पर तीन इंडिविजुअल बेंजीन संरचना दिख रही है किसी एक अनुनाद संरचना में, और बाकी के केस में दिखोगे तो कम से कम दो तो दिखेगी दिखेगी। तो इसमें तीन दिख रही है बेंजीन, इसमें दो दिख रही है, तो कौन जीतेगा? तीन वाला जीतेगा। तो वैसे भी कर सकते हो, वरना पाँच आर एस और चार आर एस वाले से भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। छह केस पढ़ा दिए बेटा आपको मैंने, सातवें केस की बात करते हैं अपन। आखिरी केस है हमारा, सातवीं तरह का प्रोफाइल किस तरह से सवाल आ सकता है। मैं आपको प्रोफाइल देखो, हो सकता है आप एक ही तरीके से उस सवाल को कर सकते हो, मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से सवाल को करते वक्त, अनुनाद ऊर्जा के सवाल को करते वक्त सोचोगे। तो अगला सवाल है बेटा विद्युत ऋणता के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर, ठीक है? अगले सवाल को आप इस तरह से भी सोच सकते हो। तो किस तरह से सवाल मिलने वाला है आपको? पहला नंबर का यहां पर मैंने एन एस टू लिख दिया बेटा, यहां पाइबंद लगा दिया, यहां पाइबंद लगा दिया। दूसरा मैंने लिख दिया बेटा आपका यहां पर ओ एच, यहां पाइबंद, यहां पाइबंद, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। आप खुद एक बार ट्राई करो, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, अनुनाद की वजह से क्या होने वाला है और कैसे आंसर लिखोगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सिंपल सा है बेटा, एकदम सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा बेटा। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो आपको भी पता है, तो उसके लिए इतना सा तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं मान लो अनुनाद की बात चल रही है बेटा, तो अनुनाद करा ही देता हूँ ना यार,
जब इसकी अगली अनुनादि संरचना बनाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे ऋण आयन डबल बोन, यहाँ पर NH2 प्लस। जब मैं यहाँ पर इसकी अनुनाद संरचना बनाऊंगा तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर पाई, यहाँ पर ऋण आयन, यहाँ पे OH प्लस, यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ चले जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस अनुनाद संरचना की बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ रहा है, और मुझे जो अनुनाद संकर बनाना है उसमें सारी अनुनाद संरचनाओं का योगदान होता है। तो इस अनुनाद संरचना का योगदान और इस अनुनाद संरचना का योगदान देखूंगा तो ज़्यादा बढ़िया अनुनाद संकर कौन सा बन रहा होगा बेटा, ये वाला बन रहा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस तो फिर भी झेल सकते हैं, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं झेला जाएगा। अधिक विद्युत ऋणी पर धनायन कैसा होगा, अस्थायी होगा, अस्थायी होगा, तो अनुनाद के कारण ये अस्थायीपन आ रहा है, अनुनाद होने की वजह से ये अस्थायी हो रहा है, इसलिए बात करें तो ए ग्रेटर देन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस ज़्यादा स्थायी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे प्लस। अगर हम ऑक्सीजन के प्लस की बात करें तुलना में देखें तो नाइट्रोजन पे प्लस ज़्यादा स्थायी है, और ये अनुनाद की वजह से हुआ है, इसलिए अनुनाद ऊर्जा में काउंट होगा। तो उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर अनुनाद चलाऊँगा तो यहाँ पर भी वो यहाँ पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, तो अनुनाद ऊर्जा किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ए की, बी से ज़्यादा हो जाएगी। ये बस सात केस से अपने को, ये सात केस पढ़ने थे अनुनाद ऊर्जा का, कुछ हार्ड नहीं था, इतना सिंपल सा अनुनाद ऊर्जा था, लेकिन मैंने बाद में इसलिए पढ़ाया क्योंकि अब आपको एरोमेटिक बहुत आसान लगने लगा होगा, विद्युत ऋणता वाली बात, अनुनाद चलाना, ये सब इतना आसान लगने लगा है, इसलिए मैं इतने ईजिली इन चीज़ों को समझा पाया। अगर मैं पहले बताता तो पहले आप उन्हीं से उलझते रहते हो, है ना, तो इसलिए मैं एंड में पढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है बेटा, एक चीज़ और है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ इसी के अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर मैं किसी भी यौगिक के लिए बात करूँ तो उसकी हर अनुनाद संरचना के लिए उसकी अनुनाद ऊर्जा कैसी आती है, समान आती है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे, है ना, किसी यौगिक के लिए उसकी प्रत्येक अनुनाद संरचना के लिए अनुनाद ऊर्जा समान होती है। ये देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अनुनाद ऊर्जा मैंने आपको बताया था यौगिक के लिए होती है, अनुनाद संरचना के लिए नहीं होती, तो अनुनाद संरचना तो अनुनाद यौगिक का ही बन रहा है, यौगिक का ही बन रहा है, ठीक है ना। तो यौगिक के लिए अनुनाद ऊर्जा है बेटा, अनुनाद संरचना के तो सबको सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि अनुनाद ऊर्जा क्या होती है बेटा, अनुनाद ऊर्जा होती है सर्वाधिक स्थायी अनुनाद संरचना में से जब मैं एनर्जी को माइनस करता हूं किसकी, अनुनाद संकर के। तो यार सर्वाधिक स्थायी तो कोई एक ही होगी इन सब में से, जितनी भी अनुनाद संरचना आ रही होगी उसमें से कोई एक ही सर्वाधिक स्थायी होगी और अनुनाद संकर भी एक ही होगा, ठीक है। इस चीज को प्रूफ भी कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये OH लिया बेटा, लोन पेयर यहाँ पे अनुनाद में जा रहा है, लोन पेयर अनुनाद में ले गए, अगली अनुनाद संरचना जो बनेगी वो क्या बनेगी, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पर ऋणायन आ जाएगा, यहाँ पे पाई पाई, फिर अगली जो बनेगी वो क्या बनेगी, बोलते नहीं हो यार, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, इसको छेड़ा ही नहीं, ठीक है, तो अगली क्या बनेगी, यहाँ पे ऋणायन, फिर ये ऋणायन पाई में और ये पाई ऋणायन में, अगली क्या बनेगी, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे ऋणायन, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और फिर अगली क्या बनेगी, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे OH, यहाँ पे लोन पेयर। इसको मैं बेटा एक नंबर बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ, इसको फोर्थ बोल रहा हूँ, और इसको फिफ्थ बोल रहा हूँ, और एक चीज और बना रहा हूँ वो है इसका संकर। यहाँ पे डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, इसको सिक्स्थ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्थाई का क्रम बताओ साहब, पहली बात तो स्थाई के क्रम के लिए आप वो सारी चीज़ें लगा दोगे, सबसे पहले तो पाई बंद किस में ज़्यादा है, फिर वो सब चीज़ें, है ना, तो पाई बंद की संख्या तो बेटा सात में बराबर है। अब क्या देखूंगा, उदासीन और आवेश वाला, तो पहला और पांचवा कैसा है बेटा, उदासीन है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा कैसा है, आवेश वाला, यानी कि पहला और पांचवे की अनुनाद संरचना स्थाई कैसा होगा, सेम होगा, पहली और पांचवी अनुनाद संरचना का स्थाई कैसा होगा, सेम, ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन घूमे। फिर दूसरे तीसरे चौथे तीनों आवेश वाले, तो हम क्या देखते थे, विपरीत आवेश वाले नज़दीक होने चाहिए, समान आवेश वाले दूर होने चाहिए, यहाँ पे विपरीत आवेश वाले नज़दीक है आपके दूसरे और चौथे में, तो दूसरा और चौथा हो जाएगा फिर हमारे लिए, और दोनों सेम स्थिति पर आ रहे हैं, फिर हमारे लिए तीसरा हो जाएगा।
ये क्रम आ गया बेटा स्थाई का। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे सर्वाधिक स्थाई वाली बात लानी है। तो जब मैं अन्नाद ऊर्जा लिखूंगा, अगर मैं पहली अन्नाद संरचना के लिए अगर मैं अन्नाद ऊर्जा लिखने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, एनर्जी ऑफ सर्वाधिक स्थाई कौन सी है, फर्स्ट ले लो चाहे फिफ्थ ले लो, कोई सी भी ले लो, तो फर्स्ट ले लेता हूँ। और इसमें से किसकी ऊर्जा को माइनस करूंगा बेटा, अनुनाद संकर की ऊर्जा को माइनस करूंगा। ये रहा हमारा अनुनाद संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर मैं सेकंड की ऊर्जा लिखने जा रहा हूँ तो सेकंड की क्या लिखूंगा, सर्वाधिक में से किसको माइनस करूंगा, अनुनाद संकर को। तो वापस किस में से माइनस करूंगा, फर्स्ट में से सिक्स को माइनस करूंगा, वही आ रही है देखो सेकंड की भी। अगर मैं थर्ड की बात करूं कि तीसरी वाली की क्या आएगी अनुनाद ऊर्जा, तो क्या आएगी, सर्वाधिक में से अनुनाद संकर को माइनस करूंगा, लो वापस वही आ गई यार, फर्स्ट में से सिक्स को माइनस करूंगा सर्वाधिक में से। तो सबकी अनुनाद ऊर्जा कैसे आ रही है बेटा, समान। तो मैंने वही तो लिखा है, किसी यौगिक के लिए उसकी सभी अनुनाद संरचना की अनुनाद ऊर्जा कैसी होती है, समान। क्योंकि अनुनाद ऊर्जा यौगिक की होती है बेटा, अनुनाद संरचना की नहीं होती। और अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक स्थाई में से अनुनाद संकर को माइनस करते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले कि किसी यौगिक की अनुनाद संरचना की अनुनाद ऊर्जा भिन्न होगी क्या, नहीं समान होगी। स्थाई क्रम में पूछ ले तब भी क्या बोलोगे, भले स्थाई ज़्यादा आ रहा हो कम आ रहा हो कोई लेना देना नहीं हमें स्थाई से, सबका स्थाई अलग अलग आ रहा था सबकी, लेकिन अनुनाद ऊर्जा तो कैसे आ रही, समान, क्योंकि यौगिक की होती है अनुनाद ऊर्जा। बात समझ में आती है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने अनुनाद ऊर्जा पढ़ लिया, ठीक है। जीओसी हमारा 95% खत्म हो गया। मैंने आपको समावयवता वाले चैप्टर में बोला था कि चलावयवता में जीओसी के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें जीओसी के कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मैं चलावयवता पढ़ाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, पहले आप समावयवता वाली चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करके आएँ, जिससे आपको क्या होगा, चलावयवता समझने में आसानी होगी। पहले हमें पता तो चले कि समावयवता आपको आता है कि नहीं आता, थोड़ा बहुत कि भूल गए। बात समझ में आ रही है। और एनसीईआरटी पढ़ते रहे, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।